श्रीनगर में देख सकते हो दही हांडी मैदान के पास है ना, और हमारे साथ निशान भाई हमारे। जय श्री राम। तो दोस्तों देख सकते हो हम लोग यहाँ पर आए हैं 27 तारीख के लिए, तो मैं यहाँ पर आके ब्लॉग बना रही हूँ। आपको देख सकते हो यहाँ पर दही हंडी का प्रोग्राम होता है ना, बहुत जोरों शोरों से। आपको देख सकते हैं श्री माननीय बसंत अग्रवाल जी करा रहे हैं इसको, है ना। और यहाँ पर खास इस बार देख सकते हो बाबा हंसराज आ रहे हैं, है ना, रघुवंशी जी और विष्णुदेव साई जी भी आएंगे। तो ब्लॉग पे आप लोग पूरा जरूर बने रहना, आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे तैयारी चालू हो रही है ना। देख सकते हो मेरे सामने जोरों शोरों से काम चल रहा है, तो आपको लेके चलता हूँ अंदर। और लोकेशन की बात करूँ दोस्तों, तो श्रीनगर वाला रोड है ना, पता ही होगा सबको बुढ़ियारी का। और ये दही हांडी मैदान है जो कि पिछले बार भी यहाँ पर हुआ था। और आपको बहुत मेन चीज़ बताओ दोस्तों, 7,51,000 इनाम है इस बार, समझ रहे बाबा, 7,51,000 फोड़ना है क्या तेरे को मटकी? जो फोड़ेगा उसको 7,51,000 रुपये मिलेगा। देख सकते हो दोस्तों, तो बाहर बाहर की टीम भी आएंगी, तो ये वाला एकदम विशाल दही हंडी प्रोग्राम होने वाला है इस बार 2024 में, है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए यहाँ पर 27 अगस्त, है ना, 27 अगस्त। देख सकते हो दोस्तों, अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखा सकते हो दोस्तों। इस बार क्रेन में बांधते हमेशा बनता है, इस बार भी क्रेन में ही बनेगा मट्टी। अब पता नहीं किस साइड बनेगा, इधर बनेगा कि इधर बनेगा वो। और दोस्तों देख सकते हो बहुत ही दूर दूर तक मतलब बनाया गया है पब्लिक, क्योंकि है ना लाखों की आबादी आती है ना भाई, लाखों की आबादी आती है पूरा देखने के लिए, उससे ज़्यादा ही आती है भाई। देख सकते हो पूरा कुर्ची उर्ची इधर भी है। तो अभी है ना आज मैं पहले ही आ गया हूँ व्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि पब्लिक इतनी आ जाती है ना, व्लॉग नहीं ढंग से बना पाता हूँ, तो इसलिए अभी आ गया हूँ देख सकते हो। और आपको अपने व्लॉग के माध्यम से पूरा विजिट करा दूंगा, क्योंकि उस दिन तो पूरा भीड़ रहेगा, उस दिन भी आऊँगा मैं। तो व्लॉग पे शुरू से एंड तक बने रहना और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना नए आए हुए तो। और कहाँ कहाँ से देख लो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एक साथ में इतना बोल दिया भाई, साथ बोल। तो दोस्तों ये कौन सा ग्राउंड है भाई, बता सकते हैं? विशाल दही हांडी मैदान श्रीनगर। और उसके जस्ट बगल में पटरी, यहाँ पर पवन सिंह भी आए थे जो कि सिंगर है बिहार के, यही ग्राउंड में हो रहा है देख सकते हो। आरुषा हो भी आई थी, हाँ पिछले बार है ना आरुषा साहू जी भी आई थी यहाँ पर। ओ भाई क्या कर रही है, आरुषाऊ भाई। तो दोस्तों देख सकते हो पूरा लाइन से इधर कुर्ची बिछ रहा है ना, और पीछे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर भाई। वो भी आया था ना श्री बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम वाले भी आए थे। बहुत बड़ा मैदान है दोस्तों देख सकते हो, और बहुत ही विशाल दही हंडी का कार्यक्रम होता है यहाँ पर। तभी देख सकते हो फुल यहाँ लाइट वाइट लग रहा है और भाई लोग लगा रहे हैं, पूरा कुर्सी इधर बन रहा है, इधर बन रहा है भाई, किधर बनेगा मटकी भाई, मटकी किधर फूटेगा भाई, उधर ही। देख सकते हो दोस्तों आप लेके चलता हूँ यहाँ पर, मटकी लगेगा है ना, और बड़े बड़े हेलोजन लाइट लग रहे हैं। अभी 2 दिन टाइम है, मतलब परसों है, परसों शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा, तो आप लोग भारी मात्रा में आइएगा है ना। और देख सकते हो दोस्तों यहाँ होगा भाई, 2 मटकी लगेंगी यहाँ, लड़की के लिए भी लगता है और लड़के के लिए भी लगता है देख सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन रहेगा, अब पूरा यहाँ तक स्टेज बन रहे हैं, तो अभी चलते हैं आपको आगे से दिखाते हैं। मतलब स्टेज भाई बहुत बड़ा बन रहा है यार, देख सकते हो यहाँ से लेके वहाँ तक 3-3 गेट दे दिए, सजने के बाद तो बहुत खास दिखेगा। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों भाई एक रॉड लगा रहेगा, हाँ देख सकते हो दोस्तों पर रॉड लगेगा, और रॉड में आने वाले पूरा ग्रीस लगते हैं। और भाई इतने ऊपर ऊपर तक चढ़ते लगभग कितना फीट होगा यार ये? 12 हाँ 10-15 फीट तक लगभग होगा ही दोस्तों, देख सकते हो ऊपर लेंगे तो देख सकते हो ऐसे। लेकिन आज का व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा है ना, तो देख सकते हो दोस्तों एकदम विशाल हंडी कार्यक्रम, मतलब क्या बोलते हैं हंडी कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर। और सब तरफ बैनर ही बैनर आपके जैसे रायपुर से आप देख रहे होगे, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रचार वाली गाड़ी भी घूम रही है ना, वहाँ पर 3-4 गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि प्रचार कर रहे थे। और ये पूरा सजेगा यार, ये बाउंड्री बनाई गई है दोस्तों इधर ना गिरे करके। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग पे आप लोग शुरू से लेके एंड तक बने रहना, अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के आगे। मैं गाड़ी डाल दिया अंदर यार ये। तो दोस्तों यहाँ पर इतना ही है, अभी चलते अपन बाहर है ना। चले दादा चलो चलो चलो। सो दोस्तों ये ब्लॉग आपको इन्फॉर्मेशन का था दिखाने के लिए, तो मैं डाल दूंगा आज, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना और अपने दोस्त भाई सबको भेजना है ना, तो उससे सबको पता लग जाए। सब आना यहाँ पे, बाबा रघुवंशी आ रहे हैं सिंगर,
बहुत फेमस, आप इनका गाना सुने भी होगे, भोला है भंडारी वही सिंगर है ये, है ना साधु बाबा जो है। अभी चलते हैं यहाँ से दूसरी जगह और रील भी शूट करते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम को लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके फॉलो कर लेना, है ना। मिलते हैं आगे, बाय बाय, जय श्री राम, जय महाकाल, बाय बाय, बाय बोलना भाई, बाय।